सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि द वेरियंस इज बेस्ड ऑन द स्क्वेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज फॉर ईच ऑब्जर्वेशन एंड द मीन वैल्यू। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जब आपने मोर देन टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना हो तो यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ वेरियंस का। और इसकी डेफिनेशन ये है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड बिकॉज इट कंपेयर्स द वेरियंस वेरिएबिलिटी इन स्कोर्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स बिलीव टू बी ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द वेरिएबिलिटी विद ईच ऑफ द ग्रुप्स बिलीव टू बी ड्यू टू चांस। Now I am going to break down the statement for you into different parts for the clarity of your concept. सबसे पहले मैं पहले पार्ट को डिस्कस करूँगी। It compares the variance between the different groups believed to be due to the independent variable. अब इस लाइन में मेरे पास दो कीवर्ड्स हैं, एक comparing variance between different groups और दूसरा due to independent variable. अब इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगी कि फ़र्ज़ करें कि आप डिफरेंट स्कूल्स की जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जामिन करना चाहते हो, और डिफरेंट स्कूल की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो टीचिंग मेथड होगा। अब ये नोवा के ज़रिए से एग्जामिन किया जाएगा कि एक स्टूडेंट के स्कूल का स्कोर दूसरी स्कूल के स्टूडेंट के स्कोर से डिफरेंट है कि नहीं। डिफरेंट जो स्कूल्स हमने लिए थे वो हमारा ग्रुप थे, हम इनकी वेरिएंस को आपस में कंपेयर करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि क्या वाकई ही टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट होता है। अब अगली जो लाइन है इसमें दो की वर्ड्स हैं, वेरिएबिलिटी विद इन ईच ग्रुप एंड बिलीव्ड टू बी ड्यू टू चांस। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनोवा सिर्फ ग्रुप्स के दरमियान वेरिएबिलिटी को नहीं बताता बल्कि ये विद इन ग्रुप के दरमियान वेरिएबिलिटी को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल विद इन ए सिंगल स्कूल अनोवा लुक्स एट हाउ मच द स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वेरी अराउंड द एवरेज स्कोर ऑफ दैट स्कूल। अगला जो की वर्ड है वो है बिलीव टू बी ड्यू टू चांस। यू कैन सिंपली से डैट इट इज़ एसोसिएटेड विद रैंडम चांस और रैंडम फैक्टर्स डैट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स। सिंपली आप यूँ कह सकते हो कि जो एक वेल टॉट स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं वो वेरी कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जिसमें पर्सनल एप्टीट्यूड, स्टूडेंट्स की एफर्ट या एक्सटर्नल इन सर्कमस्टेंसेस शामिल हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ आल्सो कॉल्ड बिकॉज इट कंपेयर्स द वेरिएंस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स विद द वेरिएबिलिटी विद इन ईच ऑफ द ग्रुप्स। जो नेक्स्ट पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है वो ये है कि अनोवा मीन स्कोर्स को कंपेयर करेगा टू ग्रुप्स के। अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है और तमाम पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन को मेजर करते हैं। अगला जो पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है वो ये है कि अनोवा में एफ रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। एफ रेशियो रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स डिवाइडेड बाय द वेरिएंस विद इन द ग्रुप। अब एफ वैल्यू के ज़रिए आप ये तो जान सकते हो कि दोनों ग्रुप के दरमियान डिफरेंस मौजूद है, दोनों ग्रुप डिफरेंस में वेरी करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो ग्रुप है वो डिफर करता है ज़्यादा। तो इसके लिए पोस्ट हॉक टेस्ट यूज़ किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब अगला जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि जो पी वैल्यू है वो एसोसिएट करती है एफ रेशियो के साथ और ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं। अब जो पी वैल्यू है वो होती है 0.05। द पी वैल्यू एसोसिएटेड विद द एफ रेशियो इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग सच एक्सट्रीम रिजल्ट्स अंडर द अजम्पशन दैट द ग्रुप मीन्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। दिस मीन्स दैट देयर आर लाइकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन्स। जो पी वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, अगर ये लेस दैन 0.05 हो तो हम ईजीली कह सकते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथिस है वो रिजेक्ट हो गया है और जो ऑल्टरनेट हाइपोथिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट था अनोवा का। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अजम्पशंस और टाइप्स ऑफ अनोवा को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।